अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं इलियास सहारा, इखलास वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से। एक घर में हूं, इस घर का जो कफील है वो पोत हो चुका है और इस घर में चार बच्चे, एक हमारी देवा बहन है, बड़ा बेटा इस घर का 10 साल का। हिसाब मेरे हाथ में एक बर्तन देख रहे, दाल। रमजान आने वाला है, यतीम बच्चों का दस्तरखान रमज़ान में भी इसी तरह होता है। कल वाली दाल अगर किसी अड़ोस पड़ोस वालों ने दी, या अगर एक वक्त का अगर कोई सालन पकाया तो वो पता नहीं 2-3 दिन का है। ना तो इन घरों में खजूरें रहती है, ना यहाँ अचार होता है, ना और पकौड़े वगैरह ये चीज़ें यहाँ नहीं है, क्योंकि इधर कमाने वाला कोई नहीं होता। आप लोग चाहते हैं कि किसी इस तरह के एक यतीम के दस्तरखान पर खजूर हो? आप लोग ये भी चाहते हैं कि किसी इस तरह के एक बच्चे का अगर अचार दिल करे तो रमज़ान के महीने में कम से कम इस घर में एक छोटा डिब्बा अचार का भी हो? आप लोग ये भी चाहते होंगे कि सहरी के लिए चावल इस घर में होना चाहिए, अफ्तारी के लिए कम से कम 2-3 रोटियां भी होनी चाहिए। हमारा इखलास रमज़ान पैकेज जो 700 बेवाओं को इंशाल्लाह इस साल आप लोगों के टाउन से देंगे, और एक पैकेज की कीमत है 10,000 रुपये। आप अपने खैरात, ज़कात और अतियात में अपना हिस्सा डालकर अगर आप कोई एक पैकेज स्पॉन्सर नहीं कर सकते तो खजूर 1 kg 600 रुपये का है, आप कोई 2-4 किलो खजूरें भी के पैसे भी दे सकते हैं, आप कोई आटे के एक तोड़े के भी पैसे दे सकते हैं, आप नमक के 2-3 पैकेट के भी पैसे दे सकते हैं। महज 700 फैमिलियों के 70 लाख रुपये का पैकेज है। आप भी इस कार्य खैर में अपने तरफ से जितना भी हो सके डाल लें। ये हम लोगों के लिए उम्मीद है कि अल्लाह ताला रोज़े नशर में जात का ज़रिया बने, जिस तरह फरमाते हैं कि आसोमुली व आना अज़ीज़ी, रोज़ा मेरे लिए है और मैं खुद इसका जज़ा दूंगा। जो संगे रोजरा रवाना दर रोज़े माते संगे इस व्यक्त का क्या अंचे रोज़े माते उबासी तासु सही पर रोज़े माते की उत्तम देश तकलीफ की मुझे जाना अच्छा वालू आम तचुरी वालू मुझे सबकरी न अगवालू ګوډې دی خوښې ژوند جو به پیسې تاسو ته پیکیج میلاو شغی کو پکوړو لمې غوړې به پکې مالګار سبې نو به ځنه پکوړې په خو پروژه ماته څوک چرولې یغې ته به دعا کو څه دعا پد کو لای دا خوښه دا بس خرمه خوشاله اوسه یا باد اوسه د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتئ تاسو زموږ سره نیک پنیغه هم په 0345 1918 به تکولې شي